हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा रैंडमली ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम लोग को बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने की इच्छा हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया है ब्रेड पकौड़ा बनाने का। तो अभी होता है ना कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती है, और वैसे भी मेरे को ना बहुत दिनों से मैं कुछ अच्छा नहीं खा पा रही थी। मतलब आप आलू उबाल ले रखा है तो बहुत दिनों से, मतलब आपको शायद कुछ कुछ क्लिप्स में मैं दिखा रही थी कि वो अच्छा खा रही, पर मेरे मुंह को टेस्ट नहीं आ रहा था। बट आज मेरे को बहुत सच में इच्छा हो रही है, तो हम लोग अभी ब्रेड पकौड़ा चटनी वटनी बनाएंगे। और ये इसका जो है रिदम का बैल आ गया है, तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ये बैल पूरा रहा है, तो अभी हम इसको डेकोरेट करते हैं। अरे वाह, तो ये हमने बैल लेकर आए हैं। अरे बाप रे। ये भी है। हाँ, दिखाती दिखाती। यहाँ पे रहे सारे के सारे सैंडविचेस। ओ माय गॉड, इतने सादा। और यहाँ पे ब्रेड पकोड़े की तैयारी हो रही है। अभी दही का वो कम हो गया उसमें। क्या? हल्दी हल्दी डाली इसमें मैंने। क्यों डालती? ठीक है, बिस्मिल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को क्या हुआ रहा, हम लोगों ने जो ब्रेड पकौड़ा पार्टी की ना, वो बहुत ही मस्त थी। सच बता रही हूँ, इतनी मस्ती की है कि वो क्या बोलते, उसको कैमरा ऐसे लगाना या फिर कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग उस समय फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आया। और वो कल रात की चीज़ याद कर रही हूँ ना, तो बहुत ही हंसी आ रही है। तो जैसे भी था, कल रात को हमने वो नंदी बैल को पेंट वेंट सब कर लिया है। मैं आपको उसका फ़ोटो वोटो सब दिखा दूंगी अभी वीडियो। और अभी आज संध्या भी आने वाली है, हमको एक वीडियो शूट करना है। तो फटाफट से अभी मैं नहाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, और वही चाय पराठा, क्योंकि वही खाऊंगी मैं। और उसके बाद करने बैठती हूँ अपना काम। और मुझे एक ब्रांड का वीडियो भी देना है, मेरा पार्सल भी आ गया है, तो फटाफट से वो भी आज निपटा ही देती हूँ। क्योंकि संध्या तो आ गई है और मैं ही रेडी नहीं हुई हूँ। और कितने दिनों से हम प्लान कर इसको इसको इसको, इसको, इसको। आज तूने भी ब्लू पहनी क्या? लेकिन तू चेंज कर रही है ना? हाँ, मैं चेंज करूँगी। तो अभी हम लोग इसने क्वेश्चन ही बना के नहीं लाई है, क्योंकि हम लोगों ने सोचे थे हम वो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो करेंगे। इसने अभी क्वेश्चन नहीं बनाई है, तो ये अपने क्वेश्चन अभी डिसाइड कर रहे। मुझे कॉल आ रहा है। वेट, इतना फेस कितना खराब दिख रहा है। तो दोस्तों, हमने तो ये कर लिया है मेकअप लुक। मेरे बाल तो चप्पू चप्पू हो गए हैं, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है मैं किसी का। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं फ़ैन बंद करना, चालू करना, क्योंकि फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, वही सब डिसाइड कर रहे हैं। एंड मैंने ये पहना है, अच्छा लग रहा है ना, काफ्तान। काफ्तान अच्छा, काफ्तान है तो अच्छा लग रहा है ये काफ़ी। अभी इसका भी वीडियो शेयर करूँगी मैं आपके साथ। काफ्तान कहते हैं कि काफ्तान कप्तान है। ठीक है, जिसको के डबल ए लगाना है तो डबल ए लगा लो, ए लगाना है तो कप्तान बोल दो। ओके, तो एक एक वीडियो करा है मेरे चैनल का। अभी मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, संध्या भी ड्रेस चेंज करेंगी, एंड हम लोग करेंगे दूसरा वाला। अब मेरे को ना थोड़ा सा घबराहट सी है, क्योंकि अभी हम लोग उतना ऐसे खुल के नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी धीरे धीरे कर पाएंगे, है ना? ठीक है, चलो मैं चेंज करके आती हूँ। 20 minutes later अभी वीडियो, अभी मेरा एक ब्रांड का वीडियो है, मैं वो शूट करने वाली हूँ। संध्या का टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। कैसी हालत होगी देखो, थोड़ी देर पहले लोग देख रहे थे कैसे दिख ढिंचक। तो चल फिर, बाय बाय बाय।
मैं यही भाई भाई कर भी देखो तो कल अपना नंदी बैल बैल तो दिखाया ही नहीं था, मैं भी दिखाती हूँ कितना तो सुंदर लग रहा है। सो लुक दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यहाँ का एक टिकली निकल गया है एंड ये रहा, एंड ये रहा साइड से, और ये जो है इसके बारसिंग मैंने बनाए जो अपने हाथों से बनाए हैं, थोड़ा सा ये कलर मिक्स हो गया बट इट्स ओके। और ये रहा, एक्चुअली ये बैल है घर पे, ये अंकल को पता नहीं था तो अंकल ने एक और एक बैल इसके लिए खरीद के लाया। और तू तू दिखा कैसा दिख रहा है, दिखा सामने इधर से ना। अरे वाह वाह, क्या बना है तू? कुछ नहीं बना, किसान बना है तो फिर क्या बना है? कुछ नहीं, इंसान बना है। एंड वाह वाह वाह, एंड ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना अभी। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये सब, तो ये मेकअप वेकअप का सब कुछ रखने का है अंदर में, एंड ये कपड़े घड़ी करके रखना है अभी। तो किया यार आज बहुत दिनों के बाद में किया शूट, बहुत दिनों के बाद में मतलब ऐसे सिट डाउन वाला तो बहुत ही दिनों के बाद में किया। तो अभी सब कुछ घड़ी घड़ी करके रख देती हूँ। इसमें से दो चीज़ें मैं रिटर्न करूँगी क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा लगा, ये पिंक वाला भी अच्छा नहीं लगा, और ये जो है ना ऐसे नाइट ड्रेस जैसा लगता है, वैसे मेरे को इतना पहनने का मौका नहीं है, तो दो चीज़ें रखूँगी, दो चीज़ें रिटर्न करूँगी। एंड मैं भी फ्री हो गई हूँ मेकअप फ्री, क्योंकि मेकअप करो ना तो बहुत हेवीनेस लगता है। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है, बट अभी मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है जो मैं फ़ोन से ही करने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊँगी, बट राइट नाउ आई एम टेकिंग रेस्ट, क्योंकि मैंने दिन भर से कोई रेस्ट नहीं लिया है, और अगर रेस्ट नहीं लूँगी ना तो कान में से खून आने लग जाता है। सो मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ क्योंकि सोना भी ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं रेस्ट नहीं करूँगी तो आपको पता है फिर दो दिन की बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी। एक नींद के बाद मिलूँगी, बाय। द नेक्स्ट डे, तो आज ना दूसरा दिन है, किसी ने मुझे बहुत बार कमेंट किया था कि मुझे मटन की सब्जी का रेसिपी बताओ, तो मटन की सब्जी का रेसिपी आज बता सकती हूँ मैं, क्योंकि आज बना रही है मेरी नानी मटन की सब्जी। और ये सारे बच्चे देखो, ये एक पढ़ाई कर रही है, नहीं हाँ 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 बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, ये सोया था ये उठ गया और ये नींद ले रहा है। और देखो मैंने बोली थी कि आई अगर सब्जी बनाएंगी तो मुझे पता ना, आई ने मसाला भी डाल दी। तो अभी मम्मी जो है यहाँ पे रोटी वोटी का काम कर रहे हैं, एंड आई काय टाकला काय टाकलो जी धीरे बोलो, हाँ प्याज, हाँ और अदरक लहसुन, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ठीक, तो एक और एक न्यूज़ है कि जो मटन की सब्जी है, मटन का सालन जो है आई बनाएंगी, और चिकन का सालन मैं बनाऊंगी। तो कौन मेरे 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 हाथ का चिकन खाना पसंद करेगा? क्या बोला तूने, क्या बोला? कोई नहीं, ऐसा ना मैं क्या अच्छा नहीं बनाती कह रहे? अच्छा बना। हाँ, तो वैसे तो अभी यहाँ पे हम लोग, आप लोगों को एक्चुअली हमारी असलियत नहीं पता है भाविका, वही मैं लगा कि तू सोचती क्यों, जितने अच्छी बिचारी भाविका अभी बिहेव कर रही है, हम रियल लाइफ में इतने अच्छे से बात नहीं करते। हम लोग हमेशा मतलब अगर अगर मेरा नाम आया तो तेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता भाविका? तू तू ऑनेस्टली बताएगा, जैसे सिमरन आ गई तो यार अब क्या होगा? हार्दिक पता जल्दी हाँ, क्योंकि देखो कितना मीठा लगता ना कैमरे में। अब ये बताएंगी, ये जो है सारा गुस्सा इसने और हार्दिक ने सहा है, तो अभी बता भाभी का सच वर्ड। कभी पढ़ाई करने तो बोलते नहीं, तो बेसिकली मेरा हाँ, और तेरा? अरे हाँ, तुझे नहीं पूछा,
तेरे को डर लगता है मुझसे? ओह माय गॉड, देखा मतलब आप लोगों को कितना प्यार लगता है ना, बट यहाँ पे एक्चुअली सब लोग यही सोचते हैं कि ये चिड़चिड़ी आ गई, अब पूरा चिड़चिड़ करती रहेगी। तो अभी हमारा जो है सालन तैयार हो रहा है, मसाला पक रहा है, सोचा आप लोगों को इन लोगों की ओपिनियन बता दो। मम्मी अगर मैं घर में आती तो फिर तुमको क्या लगता? कुछ लगता, तुमको भी चिड़चिड़ी लगती? वो वो पत्ते जैसे बोलते हैं। सिमरन का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता? नहीं, सांगा एक मिनट का जल्दी। हिटलर टाइप यार दीदी, बेइज्जती करा दी है दीदी। यही चल रहा है। और एक वो हो गया, क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसमें मुझे पता ही नहीं, मैंने एक्चुअली बीच में आके बोली कि मैंने, मेरे को चिकन बनाना है, तो जो मसाला भूल रहे थे वो चिकन का मसाला था, तो मुझे लगा कि वो मटन का मसाला है। तो अभी मटन के मसाले का वेट करना है और मैं नहीं बना रही हूँ चिकन का, ऐसा कैंसल। तुम्हारे घर के मेहमान आएंगे तो कूलर चालू करेंगे तुम, तो भाई लोग बोल रहे कूलर बंद करना। हाँ। और अशी जम के चिल्ला के बोल रहा है कि 5,000 बिल आया दीदी, क्या है? हमारे घर में 5,000 बिल आया है, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि बिल्कुल पंखा चालू नहीं रखेंगे, इतनी बड़ी यहाँ पे इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे चटे बिछाओ, यहाँ पे बैठो, बाहर में इतनी बड़ी यहाँ पे जगह है, तो वहाँ चटे बिछाओ, वहाँ पे बैठो, ठंडी हवा, बाहर की खुली हवा में बैठो और पढ़ाई करो, पर नहीं, इन लोगों को पंखा चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि बिल्कुल पंखा नहीं चालू होगा ये घर में। आप मैं म्हटलं आई पंखा चालू नहीं करायचं, बाहेर बसा, इथे बसा, अभ्यास करता। आई बना रही है मटन की सब्जी, गोश्त, तो अभी आप वो देखो, ठीक है? और मम्मी बर्तन इतने जोर जोर से धो रहे हैं हमारे घर। चलिए रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है और प्याज का पेस्ट है, प्यूरी है टोमेटो की, और जो हमारे सिंगदाने जो होते हैं ना वो है पिसे हुए, ग्राइंड किए हुए, ठीक है? तो यहाँ पे मम्मी की रेसिपी अलग है, आई की रेसिपी अलग है। मम्मी इतना सब कुछ नहीं करती, आई करती है। तेल लिया है, तेल में तेजपत्ता डाला है, और तेजपत्ता आई वैसे तो पीसती है बट अभी पीसना भूल गए थे तो इसलिए डाल दिया। प्याज का पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन प्याज का जो कच्चा स्मेल है ना वो जाने तक इसको पकाना है, आपको अच्छी सी खुशबू आने लग जाएंगी और आपको खुद ही समझेगा कि हमारा मसाला पक गया है। तब यहाँ पे पीसी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालना है। हल्दी वगैरह डालने के बाद में यहाँ पे आपको खड़ा मसाला जो है घर का भुना खड़ा मसाला डाला है आई ने, होममेड, तो ये सब डाला है। और उसके बाद में इसमें टोमेटो प्यूरी डाल के इसको पकाना है। वैसे आई ने वो जो हमने जो ग्राइंड किया था ना, कौन सा, शेंगदाने का, वो भी पहले डाला था, जो क्लिप में ऐड करना भूल गई उसी वक्त डाला था जब इसमें टोमेटो क्या बोलते अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था ना, उसके बाद डाला था, वो मैं भूल गई शूट करना। यहाँ पे बॉईल हमारा मटन है और मटन को पहले इसमें डालना है एंड 5 मिनट इसको ऐसे ही पकाना है ताकि पूरी ग्रेवी अच्छे से सोख ले मटन में और टेस्ट अच्छा है। उसके बाद आपको ये जो उबला हुआ पानी वही डालना है। याद रखिए कि आपने जो है उबालते वक्त भी नमक डाला था, तो नमक अपने हिसाब से डालें, फिर उसके बाद में गार्निश कर दें और काफ़ी अच्छा सा आपको जितना पानी डालना है वो डालें, ऊपर से जो है खड़ा मसाला जो पिसा हुआ मसाला था वो डालें, और उसके बाद में एवरेस्ट मीट मसाला डालें, और ये सब आखिरी में डालना है जो आई अभी डाल रही है। अब कलर देखो कितना अच्छा आएगा मीट मसाले के बाद में, खुशबू भी और कलर भी। यही था सिंपल सा रेसिपी और बस। तो अभी देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है, हम लोग रात को यहाँ पे, यार कितना क्लियरिटी भी आ रहा है देख, है ना? तो हमने मस्त से क्या खाया ये तो बताया ही नहीं, चिकन के सब्जी, इसे चिकन खाया मैंने तो सिर्फ वही ग्रेवी विदाउट पीस, ये चिकन वाला है। हाँ, वो पता नहीं किसने मटन किसने खाया मुझे नहीं पता, पर मटन अभी किसी ने नहीं खाया,
इसने भी नहीं खाया ना? ओके तो वो शायद रात को, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अमाउंट में बनाना ही क्यों था। मैंने मैंने दीदी को बोला भी था कि हम रात को बनाएंगे, तो नहीं दीदी को खाना ही था, पर दीदी को पार्लर जाना पड़ा तो उन्होंने तो एक निवाला भी नहीं खाया है ना। वो चाय पराठे, चाय पराठा नहीं चावल खाया था उन्होंने, रात वाला चावल खाया था नाश्ते में। तो देखो कितना अच्छा, वाह। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारी छठी और सिंहासन बना के बैठ रहे हैं और शायद मैं सो भी जाऊँगी। अरे बेटा यहाँ पे झाड़ू ना मारो, यहाँ ना मारो, हमको अभी आराम करना है। तो मस्त मैं अभी सुकून से सोऊंगी क्योंकि इतनी मस्त हवा चल रही है और घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा ले लूँगी और आप लोगों को मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को पता भी चल गया ना इन लोगों की पोल पट्टी खुल गई कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं घर में आती हूँ तो किसी को मैं हिटलर लगती हूँ, किसी को मैं चिड़चिड़ी लगती हूँ, किसी को मैं गुस्सैल लगती हूँ और किसी को मुझसे डर लगता है। तो आप लोगों ने देखा जितना कैमरे में सब कुछ एकदम से स्वीट स्वीट सा लगता है ना, उतना होता नहीं है, रियलिटी बहुत अलग होती है। तो मैंने दिखाया और भी बहुत कुछ था जो मैंने उस दो दिन पहले रिकॉर्ड किया था, तो वो मैं नहीं बताऊंगी अभी, जाने दो। वो जिस उस दिन उसने मुझे जो बोला था वो बात। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू।